मेरा मकसद था गवर्नमेंट कुछ ऐलान करे, जो कि एलजी साहब ने बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कितना क्या है। गरीब का 5 मरना होगा, 7 मरना होगा या 10 मरने गरीब के लिए मुशक्कत होगी। इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम तीन दिन से आपको पता है, लेकिन ये भी है जब मुझे अथॉरिटी ने जब इन्होंने ऐलान किया कि मैं पॉलिसी अभी जो डिवकाम का मैंने सुना है, अगर मैं ये कहूँ 5 मरले 10 मरले या 7 मरले पर डिस्कस करूँ तो ये सीधी सी बात है, गांव वाला वहाँ 5 मरलों की कीमत 1 होगी, श्रीनगर में 5 मरले की कीमत 1 होगी। तो डेट मीन्स उसने जब यही कहा कि पॉलिसी मरतब होगी, मैं यही चाहता था कि कोई पॉलिसी ये वाजिया करे, तो आज डिवकाम साहब ने वाजिया किया। मैं डिवकाम साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आते ही डिवकाम साहब ने यह ऐलान किया कि हम पॉलिसी मरतब करने जा रहे हैं, 5 मरले होंगे, 7 मरले होंगे या 10 मरले होंगे, मसला ये है कि कोई शोर न कल उठाए। मैं उसको सल्यूट करता हूँ कि उसने पूरा हम पर भरोसा रखा और सम्मान दिया। मुझे डिवकाम साहब ने पहले ही दिन सम्मान दिया, कल का एक बयान था लेकिन आज उसने बाज़ाब्ता तौर पर कहा ये कि मैं पॉलिसी मरतब करने जा रहा हूँ। आश्वासन ये है मेरे भाइयों, मानिए ये आर्डर आपको आ गया। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ 5 होंगे 7 होंगे या 10 होंगे, ये भी हो सकता है 7 होंगे, बराबर होना चाहिए, लेकिन आर्डर आ गया। मैं लोगों से कहता हूँ डरिए मत, अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो फिर इसको बड़ा तो फिर दुनिया की ताकत मुझे खिला नहीं सकती है। और मैं तमाम अपने पार्टी का और फेसबुक रिव्यूज का जिन्होंने उसमें सुनने में आया है वो मेरे साथ दुआई दे रहे थे, मीडिया वालों का इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं कभी उनका हक अदा नहीं कर सकता हूँ। अपने जो मुझे पार्टी के साथी हैं, हम सारे साथी हैं, यहाँ कोई अहदा बंदी नहीं है, मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ। ये मुझे एक चीज़ का बड़ा गर्व है कि डीबा जी हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, कहाँ गई, मुझे फख्र है, मेरी बहन नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसने ये महसूस होने दिया। नजीर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से पहले भी एलजी साहब ने लगातार बयान दिए कि आम लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा, आपको अभी विश्वास हो रहा है कि नहीं वो एक हाँ पॉलिसी जब उसने की तो वो हो गया, पॉलिसी ही मैं चाहता था। क्या आपको लगता है कि होगी? होगी, हो गया नजीर, ये तो जिम्मेदार है, लेकिन ये याद रखना, ये मैं नहीं कह सकता हूँ ये 5 मरले होंगे, 7 मरले होंगे, 10 मरले होंगे, इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ तो याद रखना मेरे भाई, हमारा आज मसला हल हुआ, गरीब का कोई 5 मरना। इसलिए मैं आज जो 3 दिन से आपसे इजाज़त लेके बेटी आई है, बेटी के हाथ से ही अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ रहे हैं आज। चलिए, बस शुक्रिया, थैंक यू। लोगों पास रहे
जिंदाबाद। लेतू साहब जिंदाबाद। चलो जी तो हाँ लिया आ गया।